हे माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आर वी शाइनिंग लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। नाउ पूजा वगैरह हो गई है मेरी, सो गोइंग टू टर्न ऑफ फैन, फास्ट मूविंग फैन, इसे ऑफ कर दे। या एंड आज आप लोगों के साथ यू नो हम शेयर करना चाह रहे हैं एक न्यू रेसिपी, यू नो दैट इज अफगानी ऑमलेट। तो ये अफगानी ऑमलेट हमें YouTube में देखे थे एंड आई जस्ट लाइक इट सो मच, एंड देन बहुत सारी अफगानीज ऑमलेट आई जस्ट वॉच्ड एंड दे वर ऑल सो नाइस। बहुत वैरायटी के अफगानी यू नो ऑमलेट्स बनता है, तो आउट ऑफ दैट जो भी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास था तो वो हम यू नो आई हैव तो आई वॉज थिंकिंग कि बनाएंगे आई एम थिंकिंग कि बनाए, तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं। बहुत मज़ेदार की, आई गेस मज़ेदार की होनी चाहिए अफगानी ऑमलेट। नॉन स्टिक के फ्लैट पैन में कुकिंग ऑयल डालिए एंड गर्म होने पे इसमें जीरा डालिए। जीरा को बहुत डार्क नहीं करना है, बस लाइट ब्राउन हो जाए दैट इज एनफ। एंड नाउ आलू को स्किन हटा करके स्मॉल पीसेस में कट कीजिए जैसा कि आप लोगों को दिखा रहे हैं। एंड सारे को फ्राइंग पैन में डालिए, फाइनली चॉप्ड अनियंस डालिए, ग्रीन चिलीज डालिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड द सॉल्ट टू टेस्ट, एंड सबको सॉटे कीजिए सबको, सो दैट सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाए। नाउ सिम में दो मिनट के लिए कीजिए, 2 से 3 मिनट, बिकॉज लेटर ऑन और भी ये कुक होगा। एंड इसके बाद देखिए ये कवर हो गया। नाउ फाइनली चॉप्ड टमाटर डालिए एंड ब्लैक पेपर पाउडर, गोलकी पाउडर वो स्प्रिंकल कीजिए टू टेस्ट एंड सबको अच्छे से सॉटे कीजिए। नाउ इस तरह से पैन हिला करके सबको फ्लैट कीजिए एंड 3 अंडा बिना फेटे हुए, अनबीटन 3 eggs या 4 eggs या 5 eggs, 1 egg, 2 egg, आप अपनी अकॉर्डिंग टू योर क्वान्टिटी, लेकिन पहली बार तो 3 ही बस दिखा रहे हैं। नाउ इसके ऊपर फाइनली चॉप्ड अनियंस, अगेन उसके ऊपर फिर से ब्लैक पेपर पाउडर, और हाँ अंडा के योग पे डालिएगा क्योंकि पहले हम लोग सारे इन्ग्रीडियंट्स में तो डाल ही चुके हैं, सो दैट उसके ऊपर डालने से ना टेस्ट आता है। एंड इवन सॉल्ट भी हल्के से फिर से स्प्रिंकल कीजिए एंड योग के ऊपर डालिए, सिलेंट्रो से स्प्रिंकल कीजिए। एंड नाउ इसे अगेन 2 से 3 मिनट सिम में कवर कर दीजिए एंड नाउ इसके बाद ढक्कन हटाइए 2-3 मिनट के बाद एंड स्लोली साइड से हटा दीजिए, हट जाएगा बिकॉज नॉन स्टिक में बना रहे ना, तो डजंट टेक टाइम। और ये हो गया, तो देखिए अंडा का योक इज़ ऑल्सो बिकम हार्डर, हार्ड हो चुका है दैट इज़ इट्स कुक्ड। एंड नाउ इसे इस तरह से धीरे धीरे हिला दीजिए सो दैट प्लेट में डालने में ना ईजी हो, सो दैट इट डजंट ब्रेक, बस थोड़ी सी प्रिकॉशन की बात है और क्या। प्लेट में निकालिए एंड गर्मा गर्म अफगानी ऑमलेट रेडी टू एंजॉय। रोटी पराठा पूड़ी राइस टोस्ट के साथ एंजॉय कीजिए। अब हम भी जा रहे खाने। हियर आई एम विद माय अफगानी ऑमलेट, उतना खा नहीं पाएंगे, ब्रेड कुछ ज्यादा ही टोस्ट हो गया। या आज बहुत क्लाउडी है इसलिए थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा। एंड या दिस इज माई ब्रेकफास्ट एंड आई टेल यू रेडी, एक ही ब्रेड लिए हैं, तो अंडे की क्वांटिटी ना अकॉर्डिंग टू योर फैमिली आप बढ़ा सकती हैं कर सकती हैं। तो ये तो हम 3 अंडे की बनाए, 4 के भी बनते हैं, मिनिमम 2 अंडे तो चाहिए, और 1 अंडे में भी बन सकता है, नो प्रॉब्लम, कस्टमाइज्ड अफगानी ऑमलेट एंड यम। तो ऐसा है कि हम पहले फिनिश करते हैं, आई कैन कंट्रोल। Awesome ब्रेकफास्ट, awesome अफगानी ऑमलेट, रियली बहुत अच्छा लगा। एंड नाउ अब हम जा रहे हैं कहीं नहीं, नो एवरी डे कैन गो रियली। एवरी डे जाना इज नॉट पॉसिबल। एंड नाउ देखिए अभी थोड़ी सी धूप निकली है, थोड़ी सी ब्राइट दिख रहा होगा आप लोगों को, धूप निकली है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर आप, आई गेस इन माई ओपिनियन, क्योंकि हम इंडियंस तो खाने में वी आर ऑल वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड एंड वी हैव वेरी वेराइटी ऑफ फूड एंड वेरी गुड फूड एंड ऑल दैट, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम
आई विल कस्टमाइज इट लाइक कैरेट्स डालेंगे, बीन्स डालेंगे, लेट्स सी कैसा होता है. बट ये जो टिपिकल, जो दिस इज टिपिकल यू नो अफगानी ऑमलेट, बहुत अच्छा था. एंड आई जस्ट टुक वन स्लाइस ब्रेड की एंड थोड़ी सी ऑमलेट ली, एंड इट वाज फुलफिलिंग, काफ़ी फुलफिलिंग था. ऐसा नहीं था कि दो स्लाइस चाहिए, अगर आप थोड़ी सी खाने में अगर आप कुछ कम खाते हो तो वन ब्रेड वुड बी एनफ. या तो इट वॉज जस्ट लाइक दैट एंड काफ़ी फुलफिलिंग था ऑब्वियसली बिकॉज इसमें आलू है, प्याज, टमाटर एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, तो क्वाइट फुलफिलिंग. एंड देन माई बस थोड़ी देर आई हैव टू डू कुछ एडिटिंग वगैरह, जो अभी हम अफगानी ऑमलेट जो बना उसकी हम एडिटिंग करेंगे अभी, बिकॉज हाथ के हाथ सब कर लेते हैं. बिकॉज इसके पिछले के पिछले वीडियो में हम यू नो दो दिन तीन दिन में एक ब्लॉग एंड किए थे एंड इट वॉज सो हॉरिबल, मतलब आई वॉज स्टक यू नो कि आगे क्या करना है. जब भी आई वॉन्टेड टू शूट तो लगता था नहीं पिछला वाला वीडियो तो हम ख़त्म ही नहीं किए, पिछला वाला वीडियो ख़त्म ही नहीं किए. तो दैट डे ना तीन दिन बाद हम वो ख़त्म किए एंड देन सेम डे आई स्टार्टेड वन मोर बिकॉज काफ़ी गैप हो गया था, दो दिन थ्री डेज गैप हो गया था. तो फिर दैट डे आई थॉट कि नहीं आज ख़त्म करते, चलो सिंपल चाय वाले ही रखते हैं, चाय एंड वाई, या तो उसी दिन ख़त्म किए या एंड देन यस्टरडे एंड आज. तो मुझे फूड में ना एक्सपेरिमेंटेशन करना समटाइम्स यू नो अच्छा लगता है, नॉट ऑलवेज, ऑलवेज आई एम वेरी ऑर्गेनिक पर्सन. रोटी, सब्जी, साग दैट आई लाइक एंड ये सब चीज़ मुझे पसंद है. बट नॉट ऑल द टाइम कि हमेशा एक्सपेरिमेंट करें, बट समटाइम्स अगर मेरे पास सारे इन्ग्रीडियंट्स है तो आई डोंट डिले इन एक्सपेरिमेंटिंग विद इट. या एंड बनाते बनाते देन मेरे दिमाग में चलता है कि अच्छा ये ऐसे बनता है तो इसमें इस ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. तो मुझे मन हुआ कि यू नो गाजर एंड कुछ बीन्स वगैरह डाल दे, स्प्रिंग अनियंस भी था मेरे पास लेकिन वो ड्राई हो गया था. तो वो डाल दे, लेकिन आई थॉट कि नहीं जैसा हम वीडियो में देखे पहली बार तो वैसे ही आप लोगों को बनाकर देखेंगे, प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी कस्टमाइज करेंगे.